अब मैं कुछ कहूंगा थोड़ा बहुत गले के बारे में आज, और गले के बारे में ज्यादा करके आपसे यही कहूंगा, क्योंकि आप प्रवचन देते हैं, काफी बात करते हैं, तो गला ठीक होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए ये रोज का काम करने वाला ऑर्गन है। आप कॉमन जो लोग हैं, जो मैंने देखा है काफी पॉलिटिशियंस है, काफी जो लोग बात करते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, उनका गले में खराश, ये सबसे बड़ा कॉमन है कारण है, गले में खराश होती है डॉक्टर साहब। अब इसके कारण जो है तीन चार होते हैं गले में खराश। एक है कॉमन सबसे कारण, हमने देखा है एसिडिटी। जब आपको एसिडिटी की तकलीफ होती है, जब खाना टाइम पे नहीं होता है, कभी आप तीखा खाना खाते हैं, या टेंशन होता है, नींद बराबर नहीं होती, तो वो एसिड आपके गले में उतर के इस प्रकार का तकलीफ हो सकता है, तो गले में खराश होती है। दूसरी चीज है एलर्जी। अगर आप डस्ट में जाए या आप कुछ ऐसा कुछ खाए तला हुआ आपने, या मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कभी मैंने कुछ बाहर का कुछ तला हुआ जो खाया जो मुझे पता नहीं, तुरंत आपके गले में इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है, ऐसे करना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो उन्होंने कुछ पदार्थ वो खाने में इस्तेमाल किए है वो आपके बॉडी को सूट नहीं हो रही या उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, इसके वजह से ही होता है। तीसरी चीज है ये इन्फेक्शन। और चौथी चीज जो है, अगर आप बहुत ही ज्यादा बात करते हो कंटिन्यूस, तो भी गले में एक प्रकार का सूजन आने का चांस होता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, उसको हम बात करेंगे रफ आवाज की, होर्सनेस ऑफ वॉइस। आप काफी लोग देखेंगे जिनकी आवाज खराब है, आवाज स्मूथ नहीं है, आवाज रफ हो गई है, ये क्यों हो जाती है? ये आवाज जो रफ होती है इसके कुछ कारण होते हैं, कि जब आप कंटिन्यूस बात करते हैं बिना कुछ रेस्ट लिए, बिना पानी पिए, चिल्ला के, तो इस प्रकार की आवाज होती है। गला बैठ जाना कहते हैं उसको, गला बैठ जाना, गला बैठ जाना। अब ऐसा है कि इसमें एक सिंपल उदाहरण मैं आपको दे दूंगा, जो खास मैंने आपके लिए आज सोचा है जी। कि मान लीजिए आप कोई व्यक्ति को बताया कि आप जिम में जाओ और आप कसरत करो और एक दिन में ही आप 50 किलो उठाना चालू करो, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी वो करने के लिए अभी तक ट्रेंड और ट्यून्ड नहीं है। वही चीज, वही आदमी जब जिम में 6 महीना जाता है तो 50 क्या, वो तो 100 किलो भी उठा लेगा जी। तो ये चीजें आपकी बॉडी को एक प्रकार के वो ऑर्गन को आपको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो जो लोग प्रवचन देते हैं या बात करते हैं उनको हम अक्सर कहते हैं, जो सिंगर्स हैं हमारे पास काफी स्टूडेंट आते हैं जो 2 महीना क्या गाना सीखा वो खुद को तानसेन ही समझना चालू कर देते हैं। तो ना वो अपना पिच देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, वो जोरदार चालू कर देते और आवाज चली जाती है। अब पुराने जमाने में मैंने बहुत ही, मैं स्पिरिचुअल वेदा शास्त्र सब देखता था, आप देखेंगे कि पुराने जमाने में जो पाठशालाएं थी या गुरुकुल होते थे वहां पे बच्चों को सामने बिठाते थे और सामने बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे, लेकिन वही बच्चों को आधा आधा घंटे का गैप देते थे, क्योंकि आधे घंटे बाद वॉइस को थोड़ा रेस्ट होना चाहिए। और उनका टीचिंग जैसे पहले 1 घंटा था, 2 घंटा था, धीरे 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 टीचिंग उनका टाइम बढ़ा देते थे। क्या हो जाता था कि आपके बात करने का यंत्र धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है। तो जैसे अभी कोई लोग है जो नया नया बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उनके लिए तकलीफ ये बहुत कॉमन है। और जो लोग बहुत सालों से बात कर रहे हैं, जैसे आप बहुत सालों से प्रवचन दे रहे हैं, तो आपका तो बात करने का यंत्र 100% काफी स्ट्रांग है बात करने के लिए, लेकिन आपको भी कुछ आवाज के लिए कुछ ख्याल रखना जरूरी है जो मैं अभी बताऊंगा आपको जी। अभी ये जो फोटो है ये आप देखेंगे, ये आपका बात करने का यंत्र है जी, राइट और लेफ्ट, इसको स्वर यंत्र बोलते हैं। अब इस दो व्यक्तियों ने बहुत जोर से बात किया, चिल्लाए, तो आपको ये गांठ दिख रही है यहाँ, ये दोनों जगह पे ये गांठ आई है जी। अब ये गांठ आने का और एक सुंदर उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई व्यक्ति बिना चप्पल के और बिना शूज के रस्ते पे 20 दिन चले तो आप देखेंगे कि आपके तलवे जाड़े हो जाते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी इस चीज को ऑटोमेटिक एडेप्ट करने का कोशिश करती है। वैसे ही ये स्वर यंत्र ऊपर वाले की देन है कि जब आप बहुत जोर से बात करते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं बस यार जरा धीरे करना, इस करके एक गांठ आ जाती है और फिर उनको डॉक्टरों की याद आ जाती है। तो अभी इसमें ये है कि जो बात करने का जो हम बताते हैं, जो बाकी लोगों के लिए जो सीनियर है जो काफी सालों से बात कर रहे हैं उन्होंने क्या ख्याल रखना चाहिए, ये चीज है। अब यहाँ पे
एक चीज उन्होंने ख्याल रखना चाहिए वो है वॉइस रेस्ट, जितना हो सके उतना बात कीजिए, बाकी टाइम में आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। जी, गर्म पानी का वाफ लेना बहुत जरूरी है। वाह, आप बाहर से थक के आ जाते हैं, आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं, तो बात करते वक्त आपने पानी पीना बहुत जरूरी है और वाफ लेना बहुत जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सूखे गले पे जो लोग बात करते हैं उनकी आवाज जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा। तो आप प्रवचन भी दे रहे तो सिप्स ऑफ वाटर बीच बीच में, जैसे आपने देखा मैं आपसे बात करते हूं, मैं 3-4 बार मैंने पानी पिया है। जी, जितना आपका गला गीला होगा उतना आपके बात करने के यंत्र के ऊपर प्रेशर कम आ जाता है। वाह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कभी आपको लगा आपका गला खराब हुआ तो आप वाफ ले लीजिए। जी, अब इस पॉइंट में मैं एक बहुत ही एक अच्छा एक किस्सा मुझे याद आया, तो आपके अगर परमिशन हो तो आपको बताऊंगा। जी जी, हमारे पास एक सास बहू आई थी, जो मैं हकीकत बता रहा हूं। जी, बहू के कान में दर्द था और सास की आवाज खराब थी। तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ है। तालमेल अच्छा हुआ। हाँ, तो बहू ने मुझे बताया कि मेरा दर्द कब चला जाएगा, कि जब ये बात करना बंद करेगी। तो मैंने सास को बोला कि आप रेस्ट लीजिए और आप वाफ लीजिए। उन्होंने वाफ लिया लेकिन आवाज में कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। तो मेरे पास आए, डॉक्टर साहब आपने इतना बोला, हमने लिया, फर्क नहीं पड़ा, आपकी फीस भी दी और ऐसा हो गया। तो मेरे मन पे हुआ कि यार ऐसा कैसा हो गया। तो फिर मैंने पूछा तो बहू ने बताया कि वो वाफ लेते थे 5-7-10 मिनट के लिए और तुरंत वापस जोर से चिल्लाना चालू करते थे। तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि वाफ लेने के बाद में आपने 5-7-10 मिनट रेस्ट लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। जैसे कोई आराम करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। जैसे कोई आदमी कोई भाग के आया है, जिम से आया है, तो आप 10 मिनट रुकते हैं आपके बॉडी को थोड़ा नॉर्मल होने के लिए। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा ये जरूरी होता है। बाकी आवाज खराब होने के कुछ कारण है, जैसे आपने स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, एसिडिटी अवॉइड करना है, ये सब चीज है। अब इसमें कोई कोई चीज है, जैसे स्ट्रोबोस्कोपी है, लेजर सर्जरी है, ये एक दो ऑपरेशन जो होते हैं वो हम इसके लिए कर सकते हैं।